केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के जम्मू में सभी सरकारी स्कूलों के नाम भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद सैनिकों और अधिकारियों के नाम पर रखे जाएंगे। प्रशासन ने नाम बदलने को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के जरिए डिप्टी कमिश्नरों को आदेश दिया गया है कि वे अपने अपने संबंधित जिलों, गांवों और नगर पालिकाओं में संपर्क करें और ऐसे स्कूलों की पहचान करें जिनका नाम शहीदों के नाम पर रखा जा सकता है। ऐसे स्कूलों के नाम अब शहीदों के नाम पर रखा जाएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर के स्कूलों का नाम शहीदों के नाम पर रखने की एक सरकारी अधिसूचना पिछले हफ्ते जारी की गई थी। नोटिफिकेशन में जम्मू, कठुआ, डोंडा, पुंछ, रामबन, सांबा, किश्तवाड़, रजौरी, उधमपुर और रियासी के उपायुक्तों को अपने अपने जिलों के गांव और नगर पालिका वार्डों में सरकारी स्कूलों की पहचान करने का निर्देश दिया गया था। उन्हीं स्कूलों के नाम में बदलाव होगा जहां के लोग शहीद हुए हों। तो वहीं शहीदों के परिजनों ने इसका स्वागत किया है और कहा है कि सरकार के इस फैसले से आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। तंगदार में रोटी गोगोलैंड में किया, उसके बाद में 50 बटालियन BSF में चला गए। वहाँ से वो ड्यूटी पे तैनात थे, मैं पास में नहीं था, जो बताऊँ सकूँ क्या अच्छा हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छे जवान थे। बाद पेंशन मेरी बहू को पेंशन मिला। अच्छा। पेंशन मिलता है। अच्छा बच्चन सिंह, अभी जो जम्मू कश्मीर सरकार है उन्होंने फैसला किया है कि जो शहीद हुए हैं देश के लिए उनके नाम पे जो है उस इलाके के स्कूलों के नाम रखे जाएंगे। जैसे यहाँ पर कोई सरकारी स्कूल है तो हो सकता है आपके बेटे के नाम पर स्कूल का नाम रखा जाए, कैसे देखते हैं आप इस कदम को? बहुत अच्छा लगेगा, आने वाले बच्चों के लिए ज़्यादा आस्था रहेगी। हम तो चले जाएंगे लेकिन ज़्यादा आस्था रहेगी। विक्रम सिंह बच्चन सिंह का लड़का था, बहुत अच्छा सरकार ने सोचा है, बहुत मानता दी है, बिल्कुल अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा परिणाम। जब भी 26 जनवरी 15 अगस्त होगा तो हम याद करेंगे, झंडा लहराएगा, बहुत अच्छा लगेगा कि वाकया विक्रम सिंह शहीद के नाम पर शेरगढ़ विक्रम सिंह स्कूल रखा गया है, बहुत अच्छा लगेगा। हम सब बहुत अच्छा देखते हैं, क्यों भी आने वाले बच्चे भी उन्हें सलाम और सलूट करेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी कोई एक शहादत में किसी ने शहीदी प्राप्त की है, ठीक है, ये तो नाम हमेशा नाम सतियों में नाम चलता रहेगा। हर तम हम बहुत खुश हैं, ऐसी बात नहीं कि हमारे भाई का नाम भी कहीं रोशन हुआ है। कोई गवर्नमेंट ने इतना किया कि हमारे भाई का नाम पे स्कूल का नाम रख दिया गया है। आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेगी कि वाकई किसी के नाम पे स्कूल रखा गया है। जैसे मेरे भाई विक्रम सिंह है, विक्रम हाई सेकेंडरी स्कूल रखा जाएगा, हैं वो एक देखें, कोशिश करेंगे हम अपने गांव में भी गेट बनाने के, हैं सरकार से अपील करेंगे कि तो करें कोशिश, एक गांव में भी हमारे गेट बनना चाहिए। जैसे वो तो अपने कांस्टेबल विक्रम सिंह के नाम से बड़ा बड़ा फोटो लगा के उनको भी आने वाली पीढ़ियां हमेशा के लिए याद रखेंगी। मैं सबसे पहले सरकार का थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ गवर्नर साहब का भी और गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर का कि जिन्होंने ये फैसला लिया है। ये फैसला लेने से जब भी आज से 10 दिन पहले मेरे को पता चला वीडियो हमारा जो सतवारी से कि आपके गांव में कोई शहीद है, मैंने उनको बताया कि विक्रम सिंह हमारे गांव का शहीद हुआ है, तो उन्होंने बोला कि इनके नाम पे हमने स्कूल रखना, स्कूल का नाम रखना है, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि गवर्नमेंट ने ये आज शहीदों को याद किया है, क्योंकि इनसे पहले भी कई शहीद हुए हैं और जो फौजी में भर्ती होता है वो शहीद के लिए भर्ती होता है, वो पहले देश के बारे में सोचता है फिर घर के बारे में सोचता है, तो इसको मैं बहुत अच्छा देखता हूँ, बहुत अच्छा फैसला है गवर्नमेंट का, इसको एक काबिल तारीफ है, तो मैं इसका धन्यवाद करता हूँ गवर्नमेंट का।
खैर, संबंधित अधिकारियों को वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद इस तरह के विवरण को तैयार करने के लिए जिला स्तर पर एक समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी निशा यहाँ होगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के तहत शहीदों को सम्मानित किया जाएगा, उन्हें याद किया जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार के फैसले के अनुसार जम्मू संभाग के जो सरकारी स्कूल हैं उनका अब नए से नामकरण होगा, यानी कि शहीदों के नाम पे जो है उन स्कूलों का नामकरण होगा। शहीदों के परिवारों ने इसका स्वागत किया है और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि इससे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको एक प्रेरणा मिलेगी देश की सेवा करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू।